नमस्कार, स्वागत आपका नांदी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भोपाल के मिंटो हॉल में जारी है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, मुरलीधर राव, विडी शर्मा और सुहास भगत मौजूद हैं। बैठक में कई अहम विषयों पर मंथन होगा। राजनीतिक प्रस्ताव के साथ संगठनात्मक कार्य के विस्तार और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष में चल रहे कार्यक्रमों समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी। आगामी समय में संगठन कार्य को और मजबूत बनाने की भूमिका पर भी मंथन होगा। जांजगीर चांपा के सख्ती में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां करीब 200 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृष्ण कुमार गवेल ने बीजेपी का दामन थामा। कृष्ण कुमार गवेल ने बताया कि वे कांग्रेस में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। भाजपा की सांगठनिक क्षमता को देख उन्होंने भाजपा में प्रवेश करने का इरादा किया। इसके साथ ही जयपुर क्षेत्र के बसपा नेता सत्यनारायण चंद्रा ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में प्रवेश किया। इस दौरान विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कोई भी काम नहीं कर पा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी के नाम पर सिर्फ लोगों को मिसगाइड कर रही है और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पा रहा है, विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे उपेक्षा को उपेक्षा देख कर हमने भारतीय जनता पार्टी का शामिल हुए हैं और अपने सैकड़ों साथियों के साथ शामिल हुए हैं। अमन खट्टर कांग्रेस के साथ दें, सब कुछ करें, बाकी हमन यहाँ चरणदास महानदास है, हमन लोग का आदमी में हमन लोग जाए नहीं दे, मिले नहीं दे, अपन निजी खर्च करके हमन रायपुर तक पहुँचे चरणदास मान के यहाँ, और बावजूद भी हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। 200 लोग भारतीय जनता पार्टी के नीति से, रीति से, सिद्धांत से, उनके मूल्यों से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है केंद्र में, उससे प्रभावित होकर के आज 200 लोगों ने प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसकी जो गलत नीति है, उसका जो कुशासन है, उससे आक्रोशित होकर उसका विरोध करते हुए आज 200 लोगों ने कांग्रेस और अन्य दलों को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है।